फ्रेंड्स, आपकी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जहां जहां पे आपको इन सेंटेंसेस में कैपिटल लेटर्स रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपको उन लेटर्स को कैपिटल में करके सेंटेंस को रीराइट करना है। ठीक है बच्चों, कैपिटल लेटर्स का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन को लिखा जाता है सेंटेंस की शुरुआत में, या तो मिड ऑफ द सेंटेंस, या तो हम बीच में जब सेंटेंस के प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो वी शुड राइट इट विद अ कैपिटल लेटर। उसके जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमें कैपिटल लेटर से लिखना होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा ग्रामेटिकली हम देखें तो बच्चों, जब कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है इट शुड बी ऑलवेज कैपिटल, तो वो भी कैपिटल होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दी हिमालयस आर दी हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, हिमालयस की बात हो रही है, यहाँ पे हमें दी लिखा हुआ दिख रहा है, तो बच्चों हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। जैसा हमने देखा है कि देखिए, हमने यहाँ पे टी कैपिटल लिखा है, दी हिमालयस जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो हमने यहाँ पे हिमालयस का जो फर्स्ट लेटर यानी एच जो है वो कैपिटल किया है, और रिमेनिंग सेंटेंस है उसको हमने एज इट इज नोट डाउन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे, वही देखिए बच्चों, दी गंगा इज अ होली रिवर। यहाँ पे रिवर गंगा की बात हो रही है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे देखिए वही हमने किया है, दी जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल किया है, सेंटेंस की जो बिगनिंग है वो गंगा से। जब हमने इसको लिखना स्टार्ट किया है तो आई हैव रिटन जी कैपिटल लेटर इन कैपिटल लेटर, गंगा इज अ होली रिवर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन है, अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक है, अशोक जो थे वो एक महान राजा थे, तो अशोक जो है सम्राट अशोक उनके लिए कहा गया है। यदि इसके अलावा कोई कॉमन नेम भी होता तो वो भी हम उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हम क्या लिखते बच्चों, कैपिटल लेटर में लिखते, जो हमने यहाँ पे किया। देखिए मैं एक बार आपको वापस नोट डाउन करके बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे हमने अशोक जो है उसका फर्स्ट लेटर में कैपिटल लिख के वापस लिखा है। The earth has a natural satellite, यहाँ पे देखिए बच्चों, दी जो है वो कैपिटल आएगा, अर्थ जो कि प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ प्लैनेट है, उसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, has a natural satellite। हम लोग बात करें क्या है बच्चों, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट की बात करें, अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट एंड इट इज मून। ठीक है, इसके नेचुरल सैटेलाइट हम उसकी बात करें तो वो है मून। तो देखिए वापस एक बार आप लोग ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज देख लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।